बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस. कुछ दिन अच्छे गुजरे, कुछ दिन बहुत बुरे गुजरे. वो तो हर काम में होता है, मगर ओवरऑल एक्सपीरियंस वेरी गुड. मेरी यूनिट बहुत ही अच्छी यूनिट है. एंड अकबर, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखती हूँ. आई डोंट लुक फार अहेड. अब देखते हैं जब ये फिल्म निकलेगी, अगर ऑडियंस को पसंद आएगी तो फिर देखा जाएगा. मैंने आपको पहले भी बताया, अकबर साहब के साथ बैठकर, यूनिट के साथ बैठकर बहुत डिस्कशंस की, किताबें पढ़ी, मिसेज आना सिंह के साथ बैठकर कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात की. तो यही प्रेपरेशन थी. और मूवीज़ भी देखी पुरानी जो ताजमहल थी. ऑफकोर्स नौशाद साहब इज़ जीनियस, एंड उनके बगैर तो ये फिल्म तो वैसे ही बहुत ही खूबसूरत है, मगर जो म्यूज़िक इस फिल्म में है वो क्या कहते हैं हिंदी में, गूस बम्स दे देती है. और मैं तो बहुत खुश हूँ. मतलब ये काफ़ी ऐतिहासिक फिल्म है, 350 साल ताजमहल को हो रहे और इस साल ही फिल्म रिलीज होने वाली, कितना ऐतिहासिक मोमेंट है. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट है मेरे लिए. ये तो नॉट ओनली इज दिस यू नो 350 ईयर्स ऑफ द ताज, मगर ये मेरी पहली फिल्म है, ये मेरा पहला कदम है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत बहुत सक्सेसफुल होगी. और आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते थे फिल्म के लिए, लेकिन आपने पीरियड फिल्म क्यों? मुझे ऑफर यही मिला था जब अकबर साहब डिस्कवर्ड में, उन्होंने मुझे लंदन में डिस्कवर किया, उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे ऑफ़र इस फिल्म के लिए. और जब मुझे एक्सेप्ट किया गया तो मैं इनकार कैसे कर सकती थी. माय रोल इज़ मैं अर्जुमन बानो का रोल खेलती हूँ जो मुमताज़ महल बन जाती हैं, मलका हिंदुस्तान. और ये रोल वो उनके बचपन, जब वो कम से कम 13 साल की उनकी डेथ के वक्त तक खेलती हूँ मैं. और वो प्रिंस खुर्रम से बहुत प्यार करती हैं, जो किंग जहांगीर के बेटे हैं, नूरजहान के स्टेप सन हैं. और प्रॉब्लम्स जो ख़ानदान के बीच में, लाडली बेगम के बीच में, वो सारा जो टेंशन जो हर ख़ानदान में होता है, वही वो पोर्ट्रे करते हैं इस फिल्म में. माई ग्रैंड मदर वॉज मैडम नूरजहान एंड वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन पाकिस्तान. एंड आई मिस हर लॉट. आई विश शी वाज हियर. आई एम श्योर शी इज वॉचिंग मी एंड शी इज वेरी प्राउड. माई रोल, आई प्ले द रोल ऑफ आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ ऑन एंड ऑन, ऑफ अर्जुमन बानो एंड हु बिकम्स मुमताज. And she married Shah Jahan, who was Khurram. And it's all about the family feuds and the tensions between the brothers and the father and the stepmother and the cousins. And so it's a very interesting historical documentary film. And I'm very happy to have done it. Thank you so much. Thank you.